मुश्किल थोड़ा सा तो मुश्किल हो, अगर नहीं है तो आपको फिर यहीं पे एक्सपीरियंस इकट्ठा करना पड़ेगा। 5 से 6 लाख रुपए की जरूरत अपने फैमिली से पड़ सकती है। तो ब्रदर अगर मैं सच कहूँ तो अगर आप फाइनेंशियल, बट हाँ एक्सपेंसिव है कह सकते हैं, बिल्कुल एक्सपेंसिव है। हेलो एवरीवन, माय नेम इज आयुष एंड वेलकम बैक टू एस व्लॉग्स। आई होप कि सब अच्छे हो गए, सारे सब मस्त होना चाहिए यार, सबके सब ठीक होना चाहिए बिल्कुल ठीक है। तो आज की जो वीडियो है ना वो है भाई Q&A वीडियो, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा कमेंट आ रहे थे मेरे को कि भाई Q&A वीडियो लो, Q&A वीडियो लो, Q&A वीडियो लो, तो फाइनली Q&A वीडियो आ चुकी है, ठीक है। तो मैंने राउंड अबाउट 30 to 35 क्वेश्चन मैंने सिलेक्ट करके रखे हैं, तो क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ना सिमिलर थे तो मैंने कुछ क्वेश्चन ही सिलेक्ट किए हैं, तो बहुत सारे आई होप कि टॉपिक्स जो हैं वो कवर हो जाएँ, ठीक है। तो अभी करते हैं शुरू, देरी नहीं करते हैं। तो एक बार मैं आपको भाई आज का व्यू दिखाता हूँ। भाई धूप निकली हुई है तो भाई हल्के हल्के हवा भी चल रही है, हल्की नहीं ऐसे थोड़ी तेज़ी चल रही है, और बादल दिख रहे हैं भाई, कितना अच्छा व्यू है, एक बार दिखाता हूँ आपको। ये देखो भाई आज का मौसम बड़ा अच्छा है, ऐसे नो डाउट। 22 जनवरी भी है तो आज के दिन राम मंदिर स्थापित होने जा रहा है, तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ उसके लिए। तो मैं आज शाम को राम मंदिर भी जाऊँगा, अगर आज नहीं जा पाया तो कल मैं, क्योंकि आज मेरी शिफ्ट है, अगर बाय चांस मेरे को मौका मिला तो मैं राम मंदिर जाऊँगा, अगर मेरे को नहीं मिला ना तो कल मैं राम मंदिर जाऊँगा और वहाँ की वीडियो बनाऊँगा। और मेरा बहुत ज़्यादा मन है कि मैं राम मंदिर जाऊँ, यहाँ पे है बट थोड़ा सा दूर है, बट मैं ज़रूर जाऊँगा वहाँ पे। हाँ मैं आपको राम मंदिर दिखाऊँगा कि यहाँ पे राम मंदिर कैसा है। और सबको जय श्री राम, ठीक है, और खुश रहो भाई, मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ, दिवाली मनाऊँ आज के दिन। अब जब तक ये वीडियो अपलोड होगी तब तक भाई आपकी 23 जनवरी होगी होगी, बट अब क्या कर सकते हैं भाई, टाइम जोन थोड़ा है डिफरेंस, बट कोई बात नहीं। जय श्री राम, जय बजरंग बली, हर हर महादेव। तो अब करते हैं वीडियो को शुरू बिना किसी देरी के। तो भाई बढ़ते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ, और वो है कि भाई होप यू आर डूइंग वेल, आई एम डूइंग रियली वेल ब्रो, थैंक यू सो मच, आई होप यू आर रियली वेल टू। एंड इसमें इन्होंने लिखा कि 12th क्लास स्टूडेंट फ्रॉम इंडिया एंड आई वॉन्टेड योर हेल्प रिगार्डिंग एडमिशन्स, हाउ द पार्ट टाइम वर्क सिचुएशन इज, एंड बैचलर स्टूडेंट्स कर सकते हैं कि नहीं। भाई बिल्कुल बैचलर स्टूडेंट्स बिल्कुल पार्ट टाइम कर सकते हैं, मैं भी बैचलर्स पे ही हूँ। तो सिचुएशन इस वक्त थोड़ी सी ख़राब है, बट मार्च तक आते आते ये सब सॉर्ट आउट हो जाएगा, क्योंकि इंडक्शंस वगैरह शुरू हो जाएंगी, तो तब तक जॉब की जो टेंशन है वो थोड़ी काफ़ी तक सॉर्ट आउट हो जाएगी, ठीक है। तो बस फरवरी वालों को थोड़ा है इशू, बाकी मार्च वालों के लिए तो थोड़ा सही है, ठीक है। तो सेकंड है कि व्हाट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स फॉर एडमिशन प्रोसेस। भाई सबसे मेन प्रोसेस जो है एडमिशन का, सबसे पहले तो भाई आपका इंटरव्यू क्लियर हो जाए, उसके बाद ही सारे सारे प्रोसेस शुरू होंगे। अगर इंटरव्यू ही नहीं क्लियर होगा तो कैसे प्रोसेस शुरू करोगे। इंटरव्यू में यूनिवर्सिटी इंटरव्यू की बात कर रहा हूँ। तो थर्ड पॉइंट हो गया हमारा, व्हाट आर द थिंग्स आई शुड नो बिफोर कमिंग। ब्रदर बहुत सारी चीज़ें हैं, मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाकर रखी है कि 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स बिफोर कमिंग टू UK, तो मेक श्योर आप वो वाली वीडियो भी चेकआउट कर लेना, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया होगा, तो आप एक बार चेक कर लेना, ठीक है। तो भाई बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ, और वो है कि हाउ इज़ द लाइफ इन लेस्टर। भाई लाइफ इन लेस्टर इज़ वेरी ऑसम, बहुत अच्छी लाइफ है यहाँ पर, कोई ऐसा कुछ नहीं, भाग दौड़ नहीं है, हर चीज़ भाई पास पास ही, ज़्यादा दूर कुछ भी नहीं है। और बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ, भाई मैं अभी 12th में हूँ, 2 मंथ्स के बाद ख़त्म हो जाएगा ऐसा, तो भाई ठीक है बहुत अच्छी बात है, आप अभी 12th में हो तो कोशिश करो कि अबव 60% ले आओ, ठीक है। तो आगे है कि लंदन बेटर रहेगा या अदर सिटीज़, ब्रदर डिपेंड करता है कि आपके फाइनेंशियल्स आपको कहाँ तक सपोर्ट करते हैं। अगर मैं लंदन की बात करूँ तो भाई वो एक होता है इनर लंदन और एक होता है आउटर लंदन। इनर लंदन भाई काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है, काफ़ी ज़्यादा भी नहीं कह सकते बट भाई काफ़ी एक्सपेंसिव है स्टूडेंट के लिए। और अगर हम आउटर लंदन की बात करें तो भाई वो अफोर्डेबिलिटी में आ जाता है, बच्चा अफोर्ड कर लेता है एक आउटर लंदन को, जैसे कि लेस्टर जो है वो आउटर लंदन में फॉल करता है, तो भाई यहाँ पे एक्सपेंसेस निकल जाते हैं, यहाँ पे सेविंग भी थोड़ी बहुत हो जाती है, बट लंदन में रह के सेविंग करना और फीस वगैरह पे ऑफ करना भाई बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर इन्होंने लिखा कि फैमिली अकेडमिक्स में 100% मदद करेगी तो भाई तो लंदन ही जाओ, अगर बिल्कुल कन्फर्म्ड होना कि आपकी फैमिली बैकग्राउंड बिल्कुल मस्त है, आपको कोई टेंशन नहीं है, तो भाई आँख बंद करके लंदन चल रहा हो, बहुत प्रीमियम है, बहुत लंदन की लाइफ तो भाई बहुत ज़्यादा प्रीमियम है यहाँ से, ठीक है। तो अगला है इनका, मुझे बस लिविंग कॉस्ट निकालना है वो भी पार्ट टाइम जॉब से। हाँ ब्रो आराम से निकल जाता है लिविंग, क्या आप काफ़ी अच्छी लाइफ जी लोगे अपने पार्ट टाइम जॉब से भी, आप अच्छा खासा अर्न कर लोगे, अपना रेंट वेंट भी निकाल लोगे आराम से। तो अगला है कि बाय द वे भाई आपकी एज 19 है तो आप कितने पाउंड पर आर मिल रहे हैं ऐसा। तो भाई मैं 19 ईयर्स का हूँ, बट जो मैं जॉब कर रहा हूँ वो थोड़ा सा लाइक हैवी वर्क है, तो उसमें हमको वो एक्स्ट्रा पे ही मिलती है। तो लाइक इस वक्त जो मैं अर्न कर रहा हूँ वो है 13.60 पाउंड्स पर आर, जो कि एक एवरेज वेज से थोड़ी ज़्यादा है,
ऐसे मेरी एवरेज वेज 10 और 11 में फॉल करती है। अभी तो नए रूल्स निकले हैं तो उसकी वजह से थोड़ी बढ़ चुकी है, बट फिर भी अभी मेरी एजेंसी ने बढ़ाई नहीं है, बट बढ़ा देगी काफ़ी जल्दी, तो मैं भी 13.60 से बढ़ के 14 तक पहुँच जाए। तो थर्ड क्वेश्चन हमारे भाई का कि DMU का बिहेवियर कैसा है स्टूडेंट्स के साथ, इंस्टॉलमेंट्स वगैरह देते हैं? नहीं नहीं भाई, DMU का बिहेवियर बहुत अच्छा है, जो टीचर्स हैं बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव हैं, लेकिन ऐसा है कि अगर आप यूनिवर्सिटी ना जाओ, क्लासेस ना अटेंड करो और टीचर्स को आपके बारे में पता ही ना हो, लेकिन फिर भी आपकी अटेंडेंस लग रही है भाई, फिर तो प्रॉब्लम की बात है। क्योंकि मेरे नोन में एक लड़के ने क्या किया, वो अपना कार्ड अपने फ्रेंड को दे देता था तो वो उसका लाइक उसकी अटेंडेंस मार्क करके आ जाता था, मार्क इन द सेंस खाली हमको टैप करना होता है अटेंडेंस के लिए, ठीक है, तो वो करके आ जाता था। तो कुछ टाइम के बाद टीचर ने उसको एक बार नोटिस कर लिया, कहीं प्रेजेंटेशन वगैरह चल रही होगी तो टीचर ने नोटिस कर लिया कि भाई ये बंदा कहाँ से आ गया, इसको तो देखा पहली बार है। तो फिर टीचर ने उसको पूछा कि भाई ये तेरी अटेंडेंस इतनी फुल कैसे, तो एक बार भी नहीं दिखा। तो उसके ऊपर फिर भाई आगे यूनिवर्सिटी ने कुछ किया होगा या नहीं किया होगा वो मेरे को पता नहीं, बट हाँ ऐसी चीज़ें हो जाती है। तो भाई टीचर्स के साथ क्यों ज़िद करनी, भाई एकदम साफ़ सुथरा रहो, जाओ क्लास जाना, जाओ नहीं जाना छुट्टी मारो, कोई बात नहीं है, इतना कोई इशू है भी नहीं है। तो आप हफ्ते में 2 दिन क्लास भी जाते तो भी सही है, इतना कोई इशू नहीं है, मेरी तो 3 दिन होती तो मैं फिर भी 2 दिन जाता हूँ ऐसा। तो ओवरऑल बात करूँ तो भाई यूनिवर्सिटी का बिहेवियर बहुत अच्छा है। और फोर्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, तो भाई इसमें लिखा है कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ यूनिवर्सिटी। भाई मेरी यूनिवर्सिटी डी मॉटफोर्ट यूनिवर्सिटी लेसम है। सो अगला क्वेश्चन है कि कैन यू प्लीज़ टेल मी हाउ टू फाइंड अफोर्डेबल रूम देयर इन ऑगस्ट। एक्चुअली में अफोर्डेबल ही होती हैं सारी, होता क्या है कि रेंट थोड़ा सा ज़्यादा हो जाए ना तो इंसान क्या करता है, यहाँ पर 2 बंदे साथ में रह लेते हैं, शेयरिंग कर लेते हैं, मतलब जैसे कि अभी मैं कुछ शेयरिंग में रह रहा हूँ तो मेरा रेंट है £220 पर मंथ, ठीक है। तो वैसे आप भी कर सकते हो, कोई अपने साथ एक स्टूडेंट या अपने साथ कोई फ्रेंड या कोई लाइक जो भी आपके यहाँ पे नोन में है, आप उसके साथ शेयरिंग में रह सकते हो, तो भाई जो रेंट है वो हाफ हो जाएगा। तो आप कोई भी स्टूडियो रूम देख सकते हो जिसको आप 2 पर्सन में कन्वर्ट कर सको। अगर आपको एक्चुअली में अफोर्डेबल अकोमोडेशन देखनी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से भी चेक कर सकते हो। तो फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो भाई इन्होंने लिखा है कि सेम क्वेश्चन, कुड यू प्लीज़ टेल मी अबाउट योर कोर्स एंड कोर्स एक्सपेंस एंड वट अबाउट MPH इन द UK फीसिस। तो ब्रदर मेरा जो कोर्स है वो बिजनेस मैनेजमेंट इन मेजर इन मार्केटिंग, ठीक है। तो जो आप कह रहे हो कि जो मेरा एक्सपेंसेस है, जो मेरा लाइक जो मेरी यूनिवर्सिटी फीस है वो है £15,250 पर ईयर, ठीक है। और आपने जो MPH लिखा है, भाई जो MPH है आफ्टर डिग्री, उसका काफ़ी वैल्यू है यहाँ पे, डिमांड है उसकी, आपको राउंड अबाउट 30,000 GBP आपको पर एनम मिल सकता है, तो इससे ज़्यादा भी मिल सकता है, बट हाँ इतना तो मिल जाता है ऐसे, तो इसकी वर्थ इट है, इसकी काफ़ी वैल्यू है। तो इसकी अगर फीस की बात करूँ तो फीस राउंड अबाउट 14,000 से लेके £17,000 तक वेरी कर सकता है पर ईयर का, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं भाई, लेसम अकोमोडेशन चाहिए नियर बाय DMU। ब्रदर लेसम में अगर आप लाइक अगर आपको DMU के पास अकोमोडेशन चाहिए तो आप बिल्कुल चेकआउट कर सकते हो, एक अपना यॉर्क हाउस चेक कर सकते हो, क्वींस कोर्ट चेक कर सकते हो, बेनरसल कोर्ट चेक कर सकते हो, यूनाइट स्टूडेंट्स चेक कर सकते हो, जो बिल्कुल पास है हमारे अकोमोडेशन के, ये 4-5 है। मैं एक और का नाम बता देता हूँ, उसका नाम है स्टूडेंट रोस्ट करके है एक कंपनी, जिसमें लाइक बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं यहाँ पे लेसम ही हैं, तो DMU के काफ़ी पास उनके 3 बिल्डिंग्स हैं, तो आप वो चेकआउट कर सकते हो, तो उनमें भी आपको चांसेस है कि आपको वहाँ पे रूम्स मिल जाए। तो अगला कमेंट है कि लव फ्रॉम पाकिस्तान, भाई लव फ्रॉम UK ब्रदर, लव फ्रॉम UK। तो अगला क्वेश्चन है कि भाई पैराफ्रेज कैसे करते हो क्विल बोल्ड से। हाँ भाई क्विल बोल्ड से ही करते हैं, और साथ ही साथ एक और AI टूल करके है, वो मेरे फ्रेंड ने उसको परचेज किया हुआ है, तो हम वहाँ से भी यूज़ कर लेते हैं उसको, फ्री में दोस्त का यूज़ कर लेते हैं, तो एक वो भी है। क्वेश्चन है कि आप वहाँ गए फिर यू हैड एनी फ्रेंड्स और अकेले ही सब किया, एंड मोस्ट डिफ़िकल्ट पार्ट इज़ इट एक्चुअली डिफ़िकल्ट। सो अगर मैं सच कहूँ तो मैं जब आया था तो मैं किसी को नहीं जानता था, मेरा यहाँ पे कोई रिलेटिव नहीं रहता, मेरा कोई यहाँ पे कोई फ्रेंड नहीं रहता, मैं अकेला ही आया था। और अब मेरे जाकर बहुत सारे फ्रेंड्स बन चुके हैं, मेरे काफ़ी सारे कॉन्टैक्ट बन चुके हैं आज की डेट में, यहाँ पर बन चुके नहीं मतलब बनाए हैं, ठीक है, अपना दम पर। तो सच कहूँ तो डिफ़िकल्ट तो था, मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ इससे, डिफ़िकल्ट है बट इम्पॉसिबल नहीं है। तो मैंने करके दिखाया और हाँ बहुत सारे अच्छे दोस्त बनाए हैं मैंने, बहुत अच्छे हैं, काफ़ी कोऑपरेटिव लोग हैं यहाँ पे नो डाउट। तो जो मेरे रूममेट्स हैं सभी के सभी बहुत अच्छे हैं। और अगर मैं बात करूँ पार्ट टाइम जॉब्स की, तो कभी कभार आपको मुश्किल पार्ट टाइम जॉब्स भी करनी पड़ सकती है, और कभी कभार आपको लाइक मतलब मुश्किल कह सकते हैं,
बट हाँ कोई कोई जॉब्स होती है जिसमें बहुत ज़्यादा हेक्टिक नहीं होता, कोई कोई होती है जो बहुत ज़्यादा हेक्टिक होती हैं। तो लाइक मुश्किल थोड़ा सा तो मुश्किल होता ही है काम यहाँ पर, बिल्कुल आसान काम तो किसी को भी नहीं मिलता यहाँ पर। ज़्यादा से ज़्यादा कैफेज़ में मिल जाएगा तो वो थोड़ा सा एक गुड वर्क है, या रेस्टोरेंट में मिल जाएगा, बट अगर वेयर हाउसेज वगैरह में मिलेगा तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो अगला क्वेश्चन है कि ब्रो एट प्रेजेंट टाइम बैचलर्स पर यू के आना चाहिए या नहीं। तो ब्रदर अगर मैं सच कहूँ तो अगर आप फाइनेंशियली बिल्कुल सही हो, जैसा कि मैं पहले से कहता आ रहा हूँ, अगर आप फाइनेंशियली बिल्कुल स्टेबल हो, आपका बैकग्राउंड काफ़ी अच्छा है और आपको अलाउ करते हैं कि आप बैचलर्स करो और आपको खुद से फीस निकालने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बट हाँ थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन आप भी कर सकते हो, तो अगर आप उस बेसिस पे बैचलर्स पे आना चाहते हो ना तो भाई ज़रूर आओ, बहुत अच्छा ऑप्शन है, बिल्कुल वर्थ इट है। बट हाँ अगर आप सोच रहे हो कि आप बैचलर्स पे आओगे और फिर आप अपने फीस कलेक्ट करके भाई वापस पे ऑफ करोगे तो भाई वो बिल्कुल नहीं होने वाला, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। क्योंकि क्या होता है कि भाई जो खुद के एक्सपेंसेस हैं ना भाई वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, और इनफैक्ट बहुत ज़्यादा ही हैं। ठीक है, अगर मैं राउंड अबाउट अगर 1000 pounds पर मंथ कमा रहा हूँ ना तो मेरे खर्च में ही करीब 600 से 700 pounds निकल जाता है, वो भी 200 से 300 pounds ही मैं सेव कर पाता हूँ। तो उसमें भी लाइक मंथ के एंड तक आते आते 100 pounds तक उसमें भी चले जाता है, तो खींच के 200 pounds मेरी मंथली सेविंग हो रही है। बट हाँ अगर आप करना चाहो आप ज़्यादा भी कर सकते हो, अभी जैसे कि मेरे को फाइनेंशियली बैकग्राउंड मेरे फैमिली में सपोर्ट कर रही है तो मैं इस चीज़ को ज़्यादा हैक्टिक नहीं ले रहा, बट हाँ किसी किसी के लिए ये चीज़ हैक्टिक भी हो सकती है। अगला क्वेश्चन है ब्रदर का कि ब्रो मैं भी NHS में आने वाला हूँ स्टाफ नर्सिंग बैंड 4 में और UK Zone 7 में सोच रहा हूँ। तो ब्रदर बहुत ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है ये, बहुत ज़्यादा इसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू है यहाँ पे हॉस्पिटल्स में, तो राउंड अबाउट 30,000 pounds से लेके 40,000 या उससे भी ज़्यादा आपको पर एनम आपको मिल सकता है पाउंड्स में, तो ये काफ़ी अच्छा एक ऑप्शन हो सकता है, बिल्कुल अच्छा ऑप्शन है, आप ज़रूर आओ। तो अगला क्वेश्चन है भाई का कि जिम का कितना फीस है एंड योर iPhone। तो जो मेरे जिम की मेंबरशिप है इट इज़ फॉर 15 pounds, मेरे को स्टूडेंट डिस्काउंट मिला है तो मेरे को 15 pounds की पड़ रही है पर मंथ। ठीक है, और जो मेरा जो iPhone है सो इट इज़ लाइक 1500 pounds, तो हाँ मैंने इंस्टॉलमेंट्स में ही लिए यहाँ पे, तो मेरे को अच्छे डिस्काउंट पे ये फ़ोन मिला है, तो ऐसा नहीं है कि मैंने बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव लिए, तो मेरे को प्लान भी इसी में ही है मेरा, और साथ ही साथ मेरा जो फ़ोन का प्राइस है वो भी, और जो मेरा इंश्योरेंस है वो भी इसी में ही है, तो राउंड अबाउट 1500 pounds का मेरे को पड़ गया है, 70 pounds के आसपास मेरे को इसकी मंथली इंस्टॉलमेंट्स देनी है, तो मेरे को तो बहुत अच्छी चल रहा है मेरा फ़ोन। तो एक और कमेंट आया भाई का, कंग्रेचुलेशंस भाई फॉर iPhone 15 Pro Max, भाई थैंक यू सो मच। अपने खुद की कमाई से फ़ोन लेना या लाइक अपने छोटे मोटे सपने पूरे करना, यार ये तो मेरा काफ़ी बड़ा सपना ही था कि मैं एक्चुअल में खुद की कमाई से iPhone 15 Pro Max ले पाऊँ, तो भाई मैंने खुद लिया है, ऐसा नहीं कि सारा का सारा पैसा एक बार में दे दिया, बट हाँ एक टाइम ऐसा भी आएगा जब मैं एक बार में पैसे देके सीधा की चीज़ खरीद लूँगा, बट हाँ अभी वैसे टाइम नहीं है तो मैं चला रहा हूँ जैसा चल रहा है, बट कोई नहीं वो टाइम भी जल्दी आएगा। तो ब्रदर थैंक यू सो मच, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है मेरे भाई का कि भाई रेंट क्या रहेगा, कुछ आइडिया है क्या, कोई डिपॉजिट वगैरह। ब्रदर वो डिपेंड करता है कि आपकी अकोमोडेशन कौन सी है, कोई कोई अकोमोडेशन आपसे डिपॉजिट मांगती हैं तो मिनिमम 200 pounds का तो होता ही होता है, उससे ऊपर भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि आप कितनी अच्छी लग्जूरियस या फिर कितने प्रीमियम आप अकोमोडेशन में रह रहे हो। ठीक है, तो अगर मैं आइडिया दूँ आपको कि आपको मंथली अगर आप कहो कि आपका रेंट में कितना जा सकता है, तो भाई कम से कम 200 pounds, ज़्यादा से ज़्यादा 450 pounds, अगर आप उससे ज़्यादा वाली अच्छी में रह रहे हो तो फिर तो आप कितने में भी जा सकते हो, बट हाँ 450 इज़ द मैक्सिमम, निकालना कभी मुश्किल हो सकता है तो थोड़ा ध्यान से ही बुक करना। तो अगला कमेंट है भाई का कि ब्रो आई एम कमिंग टू द डिमॉट फॉर यूनिवर्सिटी इन अप्रैल इनटेक, सो आई विल बी योर कॉम्पिटिटर इन यूट्यूब ब्लॉग्स। ब्रदर ज़रूर यार, आप ज़रूर डिमॉटफोर्ड यूनिवर्सिटी में आओ, हम साथ में मिलके व्लॉग्स बनाएंगे, कॉम्पिटिटर का क्या यार, दोनों भाई मिलके व्लॉग्स बनाएंगे और बताओ। ठीक है, तो अगले कमेंट पे बढ़ते हैं कि भाई स्पॉन्सर्ड जॉब मिल सकती है इंडिया से, अप्लाई कर सकते हैं प्लीज़ रिप्लाई। तो ब्रदर स्पॉन्सर्ड जॉब आपको मिल सकती है, आप इंडिया से भी अप्लाई कर सकते हो, बट उसके लिए आपको यहाँ पर स्पॉन्सर ढूंढना पड़ेगा। अगर आपके कोई नोन में है, लाइक जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है ना उनका स्पॉन्सर मिलना तो भाई काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, वो खुद स्पॉन्सर करना भाई बहुत बड़ी बात है कि अगर कोई बहुत बड़ी कंपनी आपको खुद स्पॉन्सर कर रही है तो। बट हाँ आपको यहाँ पे जो कन्फेक्शनरी शॉप्स होती हैं, रेस्टोरेंट्स होते हैं, लाइक जो भी यहाँ पे कैफेज़ होते हैं, ये मतलब छोटे मोटे ये सब जो भी है ना जो यहाँ की खुद की फॉर्म्स हैं, वो आपको अगर स्पॉन्सर करें ना तो बात है, या आपके कोई नोन में है यहाँ पे जिनको आप पैसे दे के भी लोग तो स्पॉन्सर खरीद लेते हैं आज की डेट में, बट हाँ स्पॉन्सर एक बार मिल जाए तो भाई लाइफ तो सेट है, आराम से लाइफ सेट है यहाँ पे, तो आप अप्लाई कर सकते हो इंडिया से भी, बट हाँ आपको यहाँ पे स्पॉन्सर ढूंढना पड़ेगा, तो वो थोड़ा सा एक टास्क वाली चीज़ है, काफ़ी चैलेंजिंग चीज़ है। तो अगला कमेंट है भाई का कि भाई आई एम ट्राइंग टू फाइंड अ जॉब इन पीटरबर्ग फ्रॉम ऑलमोस्ट अ मंथ, बट देयर इज़ नो प्रोग्रेस एनी टिप्स।
तो ब्रदर अगर सच कहूँ तो इस वक्त ना सच बताऊँ तो जॉब सच्ची में नहीं मिल रही है, बट अगर आप मार्च तक का वेट कर सकते हो ना तो भाई कर लो। जो एजेंसीज होती है ना उनमें जाओ और उनको पूछो कि उनके पास वैकेंसीज है या नहीं है, ठीक है पहला। और दूसरा कि आपको भाई रेस्टोरेंट्स या फिर आप कैफेज में जाके खुद आपको पूछना पड़ेगा कि आपको इस वैकेंसी है या नहीं है, ठीक है। दूसरा ही हो गया। और तीसरा आप ऑनलाइन इंडीड पर अप्लाई कर सकते हो। प्राइमार्क ने अभी रिसेंटली ही कुछ वैकेंसीज निकाली हैं, वहाँ पर चेक करो। और स्पोर्ट्स डायरेक्ट ने भी निकाली हैं, उसमें भी देख सकते हो। और भी कुछ वैकेंसीज निकली हैं, रेस्टोरेंट में भी निकली हैं इनफैक्ट। तो जो आपके जो क्लोजेस्ट मॉल होगा आप वहाँ पे जाओ, वहाँ पे नोटिस बोर्ड में लिखा होता है कि वहाँ पे कौन कौन सी वैकेंसीज हैं कौन कौन सी नहीं है, तो आप वहाँ पे जाके किसी से पूछो कि नोटिस बोर्ड कहाँ पर है, तो आप वहाँ पे नोटिस बोर्ड से आप चेकआउट करो और आपको फिर पता चल जाएगा कि वैकेंसी कहाँ कहाँ पर है। तो अगला क्वेश्चन है भाई का कि एक्चुअली वी आर टेकिंग लोन फ्रॉम द बैंक अराउंड 30 लाख रुपीज फॉर 1 year फॉर माई एजुकेशन, एंड आई एम रियली वेरी कन्फ्यूज दैट हाउ विल आई एबल टू रीपे द लोन एंड पे द फीस फॉर द नेक्स्ट 2 years ऑफ माई एजुकेशन। सो ब्रदर आई एम बिट कन्फ्यूज आपके क्वेश्चन को लेकर। अगर आप मास्टर्स के लिए आ रहे हो ना तब तो आप पे बैक कर सकते हो, क्योंकि भाई आपको पता है कि आप 1 साल के बाद आप PSW पर आ जाओगे, तो आप 2 साल में आराम से 30 lakhs तो आप आराम से निकाल सकते हो। और अगर मैं बात करूँ बैचलर्स वालों की तो भाई वो डिफ़िकल्ट है। अगर आप लाइक 30 lakhs का लोन ले रहे हो तो आपकी मिनिमम टू मिनिमम 15,000 pounds तो पर ईयर होगी। तो अगर आप कह लो कि अगर आप 2 साल की फ़ीस निकाल कर आ रहे हो 30 lakh rupees, तो आपको 1 साल की जोड़ने में तो भाई बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है, क्योंकि 15 lakh 1 साल में निकालना तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। तो अगर आप 2 साल की सेविंग्स इकट्ठे करके रखो तब मैं कह सकता हूँ कि राउंड अबाउट 10,000 pounds तक आप कलेक्ट कर सकते हो, बट स्टिल आपको 5 से 6 lakh rupees की जरूरत अपने फैमिली से पड़ सकती है। तो अगर आप मास्टर्स के लिए आ रहे हो तब तो भाई ईज़ है, आराम से हो जाएगा काम, बट अगर आप बैचलर्स पे आ रहे हो तो थोड़ा सा मुश्किल है आपके लिए, क्योंकि बैचलर्स वालों को 3 साल के बाद ही PSW मिलेगा लेकिन मास्टर्स वालों को 1 साल के बाद ही मिल जाएगा, ये फ़ायदा। सो अगला क्वेश्चन है कि डू यू हैव एनी आइडिया ऑफ लॉ यूनिवर्सिटी फीसेस। तो ब्रदर मेरा एक फ्रेंड है वो पाकिस्तान से, तो वो अराउंड अबाउट 17,000 pounds पर ईयर पे कर रहे हैं लेसर यूनिवर्सिटी में। तो लाइक वहाँ पे तो मे भी थोड़ी सी ज़्यादा होगी क्योंकि वो लेसर यूनिवर्सिटी है, बट हाँ बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी भी है जो आपको 15,000 या 14,000 pounds में भी आपको पर ईयर फीस प्रोवाइड कर सकती है, ठीक है। उसमें पेरेंट्स आर टेलिंग गो आफ्टर 12th, बहुत ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है, इसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू है, यहाँ पे डिमांड भी है काफ़ी, क्योंकि जो लंदन है और जो UK है वो लॉ के लिए ही जाना जाता है। तो भाई बहुत ज़्यादा एक अच्छा ऑप्शन, बहुत तगड़ी एक डील हो सकती है आपके लिए, अगर फाइनेंशियल वगैरह की कोई टेंशन नहीं है तो भाई बहुत फ़ायदे में रहोगे। तो अगला क्वेश्चन है कि हाय यार थोड़ा गाइड कर सकते हैं कि UK में फ़ीस मैनेज हो जाती है कि नहीं। अगर सच कहूँ तो फ़ीस मैनेज करना, जब भी बात आती है ना फीस पे, मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं सबको एनकरेज करूँ और सबको यही बताऊँ कि आप फ़ीस वगैरह निकाल सकते हो, बट ऐसा नहीं है कि अगर आप बैचलर्स पे आए हो ना तब तो भाई फ़ीस नहीं निकलती है। भाई 3 साल की फ़ीस लाइक मिनिमम आपको 45,000 pounds आपको 3 साल की देनी पड़ सकती है, मिनिमम कह रहा हूँ मिनिमम। और फिर अगर मैं मास्टर्स वालों की बात करूँ तो उनको 1 ही साल की फ़ीस देनी होती है, देन उसके बाद वो अपने 2 साल की फ़ीस आराम से निकाल सकते हैं, बट बैचलर्स वालों के साथ ऐसा नहीं है, उनको अपने 3 साल की फ़ीस तो भाई कैसे भी करके निकालनी है, देन उसके बाद उनको 2 साल का PSW मिलेगा, तो वो 2 साल के PSW में अपनी फ़ीस निकाल सकते हैं, बट पहले के जो 3 साल होते हैं ना उनमें फ़ीस निकालना भाई नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो एक और कमेंट आ गया भाई का कि भाई DMU के नियर अकोमोडेशन चाहिए, कुछ है तो प्लीज़ बता दो। ब्रदर अगर मैं अभी की बात करूँ ना, मेरे नॉन में करीब 3 से 4 अकोमोडेशन हैं यहाँ पर मेरे नॉन में ही हैं, और एक तो 2 स्टूडेंट रोस्ट में, जो कि मैंने पहली वीडियो में बताया कि स्टूडेंट रोस्ट एक कंपनी है जो बहुत सारी बिल्डिंग्स ओन करती है, तो आप उनके थ्रू आप बुक कर सकते हो अकोमोडेशन, ठीक है। और नहीं तो आप यूनाइट स्टूडेंट्स की तरफ से भी आप जा सकते हो, यूनाइट स्टूडेंट्स की जो बिल्डिंग्स है नवाक पॉइंट करके एक बिल्डिंग है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी है, वहाँ पे भी आप अकोमोडेशन ले सकते हो। और अगर वैसा आप नहीं चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा सेविंग करनी है, तो एक काम करो आप 3 से 4 दोस्त या 5 दोस्त इकट्ठे हो जाओ और आप एक ही घर ले लो, ठीक है, लाइक एक अपार्टमेंट ले लो, तो आपका राउंड अबाउट 900 से लेकर 1200 pounds पर मंथ पड़ेगा, तो आप उसको डिवाइड कर सकते हो बिटवीन लाइक 4 to 5 peoples, तो वो भी काफ़ी एक अच्छी डील हो सकती है। तो अगला क्वेश्चन है भाई का कि आपकी यूनिवर्सिटी में कंप्यूटर साइंस कोर्स है या नहीं। तो हाँ ब्रदर मेरी यूनिवर्सिटी में कंप्यूटर साइंस कोर्स है। अगला क्वेश्चन है भाई का कि बारटेंडर की जॉब्स का भी बताओ प्लीज़। बारटेंडर की जॉब भाई मिल जाती है यहाँ पे, अगर आपके पास सर्टिफिकेशन है तब तो भाई बहुत सही है, अगर नहीं है तो आपको फिर यहीं पे एक्सपीरियंस इकट्ठा करना पड़ेगा, बट हाँ बारटेंडर की जॉब यहाँ पे आराम से मिल जाती है।
बट हाँ भाई वैकेंसी भी होनी चाहिए। एक बार में कितने ही बारटेंडर एक साथ हो सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 में भी 6, तो वैकेंसीज भी फिर तो अगला कमेंट है कितनी परसेंटेज आई थी। भाई अगर मैं सच कहूँ ना तो मेरी कॉमर्स बैकग्राउंड से हूँ, ठीक है, तो मेरी 80% आई थी 12th में। अगर एक और सच कहूँ तो जब मैं 10th में था तो मेरी 10th में 60% थी ओवरऑल, ठीक है। तो भाई देख लो, कोई ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा पढ़ने वाला बच्चों में एवरेज ही स्टूडेंट था शुरू से, बट हाँ 12th में इंटरेस्ट ज़्यादा था तो फिर उसमें परसेंटेज भी थोड़ी सी ज़्यादा आई। 10th तक तो भाई समझ सकते हो ना यार, साइंस मैथ्स भाई दिमाग ख़राब हो जाता था, तो हाँ 12th में थोड़ी सी अच्छी परसेंटेज थी मेरी। तो अगला कमेंट है भाई का कि ब्रो प्लीज़ एक वीडियो बनाओ जिसमें आप शुरुआत से इंडिया से कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स बनाने हैं और कौन से मतलब कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स बनाने हैं और कैसे। तो अगर मैं इनकी बात करूँ तो सबसे पहले तो भाई अपना ड्राइविंग लाइसेंस ले आओ, इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस या पाकिस्तान के अगर कोई देखे तो आपके पास वहाँ का लाइसेंस है तो आप वो ज़रूर से लेकर आओ भाई। यहाँ पर ड्राइविंग के जॉब्स की भाई बहुत ज़्यादा वैल्यू है। अगर आपके पास भाई अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो भाई आपके काफ़ी ज़्यादा चांसेस आपके जॉब लग जाएगी और वैकेंसीज ड्राइविंग में बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, ठीक है। तो भाई ड्राइविंग लाइसेंस तो भाई याद से लेकर आना, तो बाकी डिटेल वीडियो में इसकी जल्दी लाऊंगा। तो अगला क्वेश्चन है भाई का कि ब्रदर को यूट्यूब पे कह रहा है कि यूके वर्थ इट नहीं है, कोई कह रहा है आना चाहिए कोई कह रहा नहीं आना चाहिए। भाई अगर सच कहूँ तो यूके बिल्कुल वर्थ इट है, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि यूके वर्थ इट नहीं है। यूके बहुत अच्छी सिटी है, बहुत अच्छा, बहुत प्रीमियम कंट्री है भाई, बहुत अच्छी कंट्री है, आपको ज़रूर आना चाहिए, बिल्कुल वर्थ इट है। बट हाँ एक्सपेंसिव है, कह सकते हैं बिल्कुल एक्सपेंसिव है, बट हाँ अगर आपको अपने एक्सपेंसिस मैनेज करना आते हैं तो भाई हर जगह आपके लिए भाई बहुत अच्छी है। यूके में कहीं पे भी चल रहा हो बहुत अच्छा है, बट आपको एक्सपेंसेस और आपको अपने चीज़ों को मैनेज करना आना चाहिए अच्छे से। तो सेकंड पॉइंट है भाई का हमारे कि जो स्टूडेंट्स हैं बैचलर्स के, उनके लाइफ वर्थ इट है कि नहीं। भाई अगर सच कहूँ ना बिल्कुल वर्थ इट है, बिल्कुल वर्थ इट है। मैं खुद बैचलर्स पे आया हूँ, बिल्कुल वर्थ इट लगी मेरी लाइफ। अभी तक के 4 महीने भाई बहुत अच्छे गए हैं, बट हाँ शुरू शुरू में डिफ़िकल्टी होती है, वो चाहे मास्टर्स पे आए चाहे बैचलर्स पे आए चाहे वो किसी पे भी आए, भाई डिफ़िकल्टी होती है शुरू शुरू में, बट हाँ लाइफ बिल्कुल वर्थ इट है। मेरे को देख लो, मैं बीइंग ए बैचलर स्टूडेंट मैं अच्छा खा रहा हूँ, डाइट मेरी बहुत अच्छी चल रही है। अभी कुछ टाइम से शुरू से मेरी ख़राब थी, बट हाँ मेरी डाइट काफ़ी अच्छी चल रही है और मैं जिम जा रहा हूँ, मैं iPhone 15 Pro Max चला रहा हूँ, सब आपके सामने। मेरा जितना भी कंटेंट रहता है कुछ भी स्क्रिप्टेड नहीं रहता, एवरीथिंग इज़ लाइक गो विद द फ्लो, ठीक है। तो वो चीज़ मे भी आपको समझ आए ना आए, बट हाँ मैं कुछ भी छुपा नहीं रहा आपसे, जो है सब सच है। आप चाहे किसी से भी यहाँ पे आप पूछ सकते हो अगर आपके कोई रिलेटिव वगैरह रह रहे हैं तो। हाँ भाई ये लाइफ बिल्कुल वर्थ इट है। लोग कहते हैं कि भाई बैचलर्स के लिए नहीं जाना चाहिए, छोटी उम्र होती है, आपको कुछ आपको लोग धोखा दे देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे। तो भाई अगर आपको पता है ना कि आपको कैसे सर्वाइव करना है तो आप चाहे बैचलर्स के बाद जाओ चाहे मास्टर्स के बाद जाओ, आप किसी बेस पे भी जाओगे ना आपको पता है कि कैसे सर्वाइव करना है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मास्टर्स में आ रहे हैं उनको पता ही नहीं भाई कैसे रहना है, कैसे चीज़ों को मैनेज करना है, बहुत सारा बचपना उनमें बड़े होके भी नहीं खत्म होता। बट हाँ मैं कह सकता हूँ मुझे बचपन आया है, बट लेकिन कि मेरे को राइट टाइम पर राइट डिसीजन कब लेना और कैसे लेना है उस चीज़ की मेरे को काफ़ी अच्छी नॉलेज है और मैं अपनी एज के हिसाब से इतना मैच्योर हूँ कि मैं चीज़ों को मैनेज कर सकूँ काफ़ी अच्छे से। तो आई होप आपको काफ़ी अच्छा आपको आइडिया लग चुका होगा अभी तक कि जितने भी क्वेश्चंस थे, तो आई होप आपके क्वेश्चंस के जवाब आपको मिल चुके होंगे। अगर आपको नहीं मिले अभी भी तो भी आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है, कोई बात नहीं है, मैं वहाँ पे आपको रिप्लाई कर दूँगा। तो यहीं तक थी वीडियो, मैं अब वीडियो ख़त्म करता हूँ। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी होगी तो मेक श्योर की वीडियो लाइक, तो कमेंट ऑन भी करना अपने क्वेरीज या आपके सजेशंस या कुछ भी, ठीक है। तो करते हैं वीडियो यहीं पर ख़त्म। सो जय श्री राम। आज 22 जनवरी भाई, अच्छा लग रहा है, दिवाली मनाऊंगा आज, मैं भी आज नहीं बट मैं कल मनाऊंगा, ठीक है। सो टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी स्टे फिट, सो कीप लविंग कीप सपोर्टिंग, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। भाई ठंड लग रही है बहुत ज़्यादा, भाई अंदर चलो।